Okay, hello everybody, my name is Tarun Agarwal और basically ये एक तरीके से एक सीरीज मैं निकालना चाहता हूँ जहाँ पर मैं कुछ उन लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ जो लोग अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन प्रोफेशनली ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं। और उनमें से एक पर्सन है मिस्टर रवि, जो कि आज मेरे साथ हैं इस ऑनलाइन मीटिंग में मेरे साथ। रवि से मैं आज तक कभी नहीं मिला, बट I'm connected with him और I know कि he is building his business online, network marketing business online. So आज का ये जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ये this is a natural discussion जिसमें मैं रवि से पूछने वाला हूँ उनकी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी, किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग मानने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे, और जब इन्होंने अपना बिजनेस ऑनलाइन करने का सोचा तो फिर किस तरीके से प्रोफेशनली अपने बिजनेस को अभी ऑनलाइन कर रहे हैं और आगे के लिए क्या प्लान्स हैं। So welcome रवि। Thank you sir. थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे रवि? जी श्योर सर, एक्चुअली सर मेरा नाम रवि सहवाल है और बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर, पानीपत से। ओके। और सर मेरे को दिल्ली में 2 से 3 साल हो गए जॉब करते हुए। वंडरफुल। और एक्चुअली सर नेचुरली सबको पता है सर कि जॉब में कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता है, कोई भी अपनी जॉब से खुश नहीं होता है, तो ज्यादातर लोग जैसे अपने जॉब में परेशान थे, ऐसे में अपने जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी मुझे। अच्छा। लाइक बॉस की प्रॉब्लम हो गई, काम करते थे फिर भी प्रॉब्लम आती थी। तो अभी भी आप जॉब कर रहे हैं? तो बेसिकली नहीं सर, अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने जॉब परमानेंट के लिए छोड़ दी है। ओके। और एक्चुअली मैंने 2.5 से 3 साल है ना सर फील्ड का काम किया है, तो ऐसे ही फील्ड का काम कर रहा था सर मैं, और अचानक मेरे को एक पर्सन मिले, तो उन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर किया। एक्चुअली उन्होंने मेरे से फर्स्ट ये पूछा कि रवि आप करते क्या हो, तो सर मैंने उनको बताया कि एक्चुअली सर मैं अभी प्रेजेंट में जॉब कर रहा हूँ और इस कंपनी में जो कर रहा हूँ ये मेरी चल रही है। तो ये पर्सन कहाँ पे मिले, मतलब कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में आपको कोई मिले है ना? जी सर, दिल्ली में मिले सर, एक्चुअली मैं जॉब दिल्ली में करता था। ओके। तो उन्होंने मेरे से थोड़ा सा मेरे बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी जॉब यहाँ पर कर रहा हूँ और मेरी सैलरी इतनी है। ओके। तो उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे से पूछ किया कि रवि अभी प्रेजेंट में आप जो वर्क कर रहे हो, आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? ओके। तो बेसिकली सर मेरी एजुकेशन इतनी नहीं थी, तो मैंने इसका जस्ट इतना ही बोला कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, अगर आज मैं 20,000 पे ले रहा हूँ तो आने वाले 5 साल में मैं ज्यादा नहीं सर 30 से 40,000 पे अर्न कर सकता हूँ। ये मेरा लेवल हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि रवि कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊँ, आप आने वाले 5 साल में ज्यादा नहीं 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ कमाए। ओके। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया सर। तो सर मैंने सर बिल्कुल सही है सर, कॉमन सी बात है सर, पैसे की बात है कि हर कोई चाहता है कि हमारे पास अच्छा पैसा हो सर। तो मैंने बोला सर कैसे हो सकता है ये बताइए सर। तो उन्होंने मेरे को अपना कार्ड शेयर किया और वो चले गए। अच्छा। बस इतना ही किया उन्होंने। तो मैंने सर के पास कॉल किया, तो सर ने 1-2 दिन मेरा फोन पिक नहीं किया, और सर ने फिर एक दिन अचानक उनका बैक कॉल आया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि रवि आप अगर संडे को फ्री हो तो हम एक बिजनेस ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, हमारा सेमिनार है, आप उसमें आ सकते हो। ओके। तो मैं सर सेमिनार में गया, दिल्ली में ही ऑफिस था। अच्छा। तो सेमिनार अटेंड करने के बाद मेरे को कंपनी के बारे में बताया गया, क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्लान है, तो वो चीज सारी समझ गया सर अच्छे तरीके से। उन्होंने आपको बताया था बेसिकली मार्केटिंग है, उन्होंने पहले बताया था? नहीं सर, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को सेशन लेने के बाद पता चला सर। ओके, ठीक है। हाँ जी सर, बट मैं शौक नहीं हुआ सर नेटवर्क मार्केटिंग सुन के। एक्चुअली बाय गॉड गिफ्टेड मैं ना नेटवर्क मार्केटिंग की पहले से ही 2 बुक्स पढ़ चुका था। मोस्टली एक तो आपने भी सुना होगा रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है सर, और एक बुक है द बिजनेस स्कूल सर। इसके बारे में पहले से जान चुका था कि उसमें ये चीज जरूर लिखा था कि भाई जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना उसके पास उतनी ही इनकम होगी। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग पहले से ही जानता था, बट ये मेरी लाइफ की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ओके। तो मैंने इस पे स्टार्ट किया सर, बिजनेस को धीरे धीरे स्टार्ट किया सर, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। तो वहाँ पे मतलब आपका इंटरेस्ट बना, आपने मतलब जो जिस पर्सन ने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग, क्या वो आपको जानते थे या अननोन आदमी थे वो आपके? बिल्कुल अननोन थे सर, मैं उनको जानता नहीं था सर। अच्छा, तो कहाँ पे मिले थे आपको? तो सर मेरा एक्चुअली मार्केट का काम था और डेली बेसिस पे मैं 40-50 लोगों से मिलता था, ऐसे ही वो मेरे को अननोन मिले, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा 2 मिनट बात करी और बताया। चलिए वंडरफुल, मतलब कि देखिए ये कोल्ड मार्केटिंग का नतीजा है। बिल्कुल सर। ओके, चलिए वंडरफुल। तो उसके बाद आपने आपको कितना टाइम हो गया? मतलब आई थिंक आप बिल्कुल मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी? नहीं सर, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, यही समथिंग एक्टिवली वर्क बताऊं तो मैंने ज्यादा नहीं 3 से 4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए? हाँ जी सर, क्योंकि एक्चुअली मैं नेटवर्क मार्केटिंग को पहले से ही जानता हूँ, कैसे वर्क करना है कैसे नहीं, बट किस कंपनी के साथ टाई अप करके कैसे काम करना वो मेरे मींस प्लेटफॉर्म नहीं था। राइट राइट, मतलब आपका माइंड पहले से ही मेकअप था कि चलो ये काम करना ही है। नौकरी का एक्सपीरियंस था आपको कि नौकरी का क्या एक तरीके से माहौल होता है, मतलब नौकरी को कोई बुरा नहीं बोलना चाहता, मतलब कोई बुरा नहीं बोले, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा था वो? बिल्कुल सर, मेरे वक्त एक्चुअली वही होता है ना सर, एक्सपीरियंस के लिए मैं जस्ट एक जॉब स्टार्ट की थी, मार्केट की नॉलेज के लिए कैसे वर्क होता है कैसे नहीं, जस्ट उसके लिए एक्सपीरियंस के लिए मैंने जॉब स्टार्ट की थी। तो जो एक्चुअली 90% लोगों का सर माइंड यही होता है कि हमें अपना बिजनेस करना होता है सर, तो मेरा भी यही बिजनेस माइंड था सर कि मेरे को अपना बिजनेस करना है। तो ऐसे ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और धीरे धीरे सर ट्रेनिंग लेता गया, सेमिनार अटेंड करता गया और फाइनली मैंने 1-2 महीने बाद अपनी जॉब परमानेंटली छोड़ दी थी सर। एक्चुअली मेरे से पार्ट टाइम नहीं हो पा रहा था, तो इस बिजनेस की क्योंकि मैं गहराई जानता था नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, तो इसलिए मैंने अपनी जॉब परमानेंट के लिए 1 से 2 महीने में छोड़ दी थी सर। चलिए, बहुत ही मेजर डिसीजन होता है ये कि नौकरी छोड़ के मतलब इस बिजनेस को फुल टाइम करें, बट ऑब्वियसली सबका ड्रीम भी होता है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि इससे पहले कि आपने बिजनेस ऑनलाइन अभी करने का सोचा, बट उससे पहले जितना भी आपका अभी टाइम रहा नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद का, तो मेजरली क्या किस तरीके से आप काम करते थे, किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करते थे? ट्रेनिंग तो आपको मिलती थी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट प्रोस्पेक्ट कहाँ से लेके आते थे और क्या प्रॉब्लम फेस करते थे उस टाइम पे जो आपको लगा कि चलो बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहिए? एक्चुअली सर बेसिकली है ना, जिस कंपनी में मेरा टाइप था, जिस कंपनी के साथ काम करता था, उसके कुछ प्रोडक्ट्स थे, तो बेसिकली उस पे जो ट्रेनिंग दी जाती थी ना, उसमें मेन मोटिव प्रोडक्ट के ऊपर दी जाती थी। तो जॉब करते थे उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ नहीं सर, नेटवर्क मार्केटिंग में, जॉब में नहीं सर। तो जॉब में तो सर है ही था प्रोडक्ट, उसका वो भी सेल करना होता था, बट मेरा माइंड सेट था सर वो सेल्स का था, मींस प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेच के ही आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो मैंने स्टार्टिंग में कोई ज्वाइनिंग नहीं करी, कोई प्रोस्पेक्ट नहीं, जस्ट एक प्रोडक्ट के बारे में लोगों को शेयर करता था। अच्छा, ओके। और जो मेरी टाइमिंग रहती थी, मैंने जॉब का ही शेड्यूल बना रखा था, जैसे मैं सुबह 9 बजे निकलता था और रात को 7 बजे ऑफिस ही आता था। तो ऐसे ही मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में किया, सुबह 9 बजे जाता था और रात को 9 बजे ही आता था। अच्छा, 12 घंटे? तो बिल्कुल सर, क्योंकि एक्चुअली मैं नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को जानता था सर, तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे रात 12-12 घंटे काम करता था, बट रिजल्ट नहीं निकलता था मेरा। ऐसा क्यों आप लोग, मतलब कहाँ आप जैसे 12 घंटे घर से बाहर निकलते थे तो करते क्या थे? क्वेश्चन ये था कि मैं किसी शॉप पे जाकर किसी को भी अननोन पर्सन को अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देता था फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। और कोई भी अननोन पर्सन होगा उसका अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करता था कि सर ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हो, आने वाले अपनी जनरेशन को भी चेंज कर सकते हो। कुछ लोग चले जाते थे आप क्या ऐसे किसी से भी मिल लेते थे और विजिटिंग कार्ड बांटते थे उनको? नहीं सर, विजिटिंग कार्ड भी शेयर करता था और विजिटिंग कार्ड भी शेयर किया, बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैंने पैम्पलेट वगैरह भी बंटवाए थे अपने, और 4 टाइप के मेरे कार्ड थे सर। अच्छा, 4 टाइप? हाँ जी सर, 4 टाइप के मैंने कार्ड भी बनवाए थे, बट प्रोडक्ट ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड होगा। बिल्कुल सर, सभी तरह के कार्ड बनवाए थे, बट रिजल्ट नहीं आ रहा था मेरे उससे। ओके, तो इनिशियली जब आपने ट्रेनिंग्स ली और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आप बहुत पॉजिटिव मोटिवेटेड थे, ट्रेनिंग्स लेने के बाद आपको एक अच्छी एजुकेशन भी मिली थी, बट लेटर ऑन आप ऑफलाइन मोड मतलब किस मतलब लीड जनरेट, आप जैसे बोल रहे कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिजल्ट का मतलब क्या कि लीड जनरेट नहीं कर पा रहे थे या फिर लोग आपको मना कर रहे थे या टाल रहे थे या फिर ट्रेनिंग में नहीं आते थे या इन्वाइट करने पे सेमिनार में नहीं आते थे? लोगों की मेंटालिटी क्या थी, मतलब जो आप बोलते थे? तो मेंटालिटी ये थी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो ऑफिस नहीं आते थे और इजीली से कोई भी अपना नंबर शेयर नहीं करता था सर। मोस्टली केसेस में ना एक तो लीड भी जनरेट नहीं होती थी मेरे से बिल्कुल भी, और जैसे मेरा टारगेट ये रहता था कि पर डे भाई मेरे को कम से कम 5 से 6 लीड जनरेट करनी है, कैसे ना कैसे करके मेरे को लीड जनरेट करनी है। अगर मैं पर डे 5 नंबर अपने अकाउंट मोबाइल नंबर में ऐड करता हूँ तो महीने में 150 नंबर ऐड हो सकते हैं मेरे, तो मेरे टारगेट था। तो डेली बेसिस पे मेरे से 5 नहीं होते थे, 1-2 होना स्टार्ट हो गए थे, बट उससे लीड जनरेट हो रही थी, बट वो ऑफिस में भी नहीं आ रहे थे। एक्सक्यूज ये होता है कि हमें ऑफिस जाना है, आज मीटिंग है, मेरे को कहीं बाहर जाना है, संडे को फैमिली को टाइम देना है, तो भाई मेरी तबीयत खराब होगी, मतलब एक्सक्यूज इतने आते थे कि मैं थोड़ा सा ना परेशान भी हो जाता था अपने आप से कि भाई मोटिवेट था, मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड था कि भाई हाँ मुझे पता है कि थोड़े चैलेंजेस आएंगे, बट कोई सुनी। बट प्रॉब्लम ये फेस ये होती थी ज्यादा सर, 90% लोग जॉब करते हैं सर, जो पर्सन इजिली से कन्वर्ट नहीं होता सर बिजनेस में, उनको टाइम लगता है। तो उसमें टाइम लगता था, तो फिर मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग लेता रहता था। और इशू ये भी आता था कि भाई हाँ ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, 4 से 5 घंटे मेरे वहीं पर वेस्ट हो जाता था। मेरे को ये फील होता था कि भाई 4-5 घंटे अगर मैं ऑफिस में ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा हूँ, नोट पैड पे सीख रहा हूँ, बट कब मेरे को सक्सेस मिलेगी, कितना टाइम लग जाएगा, मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा सक्सेस होने में। मैं समझ रहा हूँ। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली मैं भी यही फेस कर रहा था, और आई अंडरस्टैंड कि सब लोग फेस करते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोगों को लगता है कि 12 घंटे हम लोग घर से बाहर है, बट 1 घंटा मतलब 2 घंटा ट्रैवलिंग, 3 से 4 से 5 घंटे ऑफिस में टाइम स्पेंड करना, चाहे वो अपलाइन से मिलना, चाहे क्रॉस लाइन से मिलना, चाहे चाय पीना, इन सब चीजों में हमको लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग, बट अल्टीमेटली क्या होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी डाउन हो रही है। और हम लोग ऑफिस के माहौल में इसलिए जाते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू रिमेन मोटिवेटेड, उस एनवायरमेंट में ढले रहें जिससे कि चलो आप बाहर निकल के काम करते हैं। तो लेकिन जो मैं भी ये चीज फेस करता था कि एग्जैक्टली जो काम होता था वो सिर्फ 1 से 2 घंटे का ही होता था, जो प्रोडक्टिव काम होता था, है ना, जहाँ पे हम रियली में प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्ट से बात करने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है, उसको भी ना बोलने में भी 5 मिनट लगता है मैक्सिमम, बल्कि कभी कभी तो भैया नमस्कार, वो विजिटिंग कार्ड दे दो, मैं बाद में बात करूंगा आपसे, ऐसे। I can understand. So, ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, बट नाउ ऐसा आपको क्यों लगा? क्योंकि देखिए मैं तो अपना बिजनेस ऑनलाइन ही कर रहा हूँ, तो जो लोग हमको देख रहे हैं भी हो सकता है कि YouTube पे देख रहे हो या Facebook में भी देखेंगे इसको, इस हमारे डिस्कशन को। नाउ मैं तो अपना बिजनेस को पूरा ऑनलाइन ही किया बिकॉज आई ऑल्सो फेस अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप मेंटली ऐसा आपने क्यों सोचा, या फिर क्या ऐसा लगा आपको कि इस बिजनेस को ऑनलाइन सीखना चाहिए, कि ऑनलाइन करना चाहिए इस बिजनेस को, ऐसा क्यों लगा आपको? एक्चुअली है ना सर, मैं एक दिन ऑफिस की ट्रेनिंग में था और वहाँ पर कुछ अननोन पर्सन आए थे, मैं वैसे ही बात कर लेता हूँ किसी से, मैं मेरे को साइन ही है बिल्कुल भी, मैं एनीबॉडी किसी से बात कर सकता हूँ सर, टिपिकल नेटवर्क है बिल्कुल सर, इसमें कोई इशू नहीं है। और मैंने अचानक एक पर्सन से बात करी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे आए हो, तो उन्होंने बोला कि मैं फेसबुक के थ्रू आया हूँ सर। फेसबुक के थ्रू कैसे आया? तो बोला कि मेरा को किसी ने रिक्वेस्ट सेंड की और मेरे से बात स्टार्ट की, और उन्हें मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और मैं ऑफिस में आ गया डायरेक्ट। और सबसे गजब की बात ये रही सर, उसके अपलाइन ऑफिस में नहीं थे। अच्छा। वो उस प्रोस्पेक्ट को उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया, वो इतना एजुकेटेड कर दिया कि वो अकेले ही ऑफिस में आ गए। तो फिर मेरा माइंड होगा कि भाई ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं। और बेसिकली मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियो पहले से देखता था, मोस्टली नेटवर्क का जो भी है नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगा सर। कुछ मोटिवेशन की वीडियो हो गई, भाई हाँ प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, रिक्रूटमेंट कैसे करें, वो तो एक्सवाइज वीडियो बहुत सारे वीडियो हैं। तो ऐसे ही मैंने आपकी एक वीडियो देखी सर जिसमें ऑनलाइन कैसे अपना बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने आपका भी उसको देखा, भाई ऑनलाइन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरे को आपका कोर्स के बारे में पता चला कि भाई आपका ये कोर्स है। फर्स्ट टाइम आपका कोर्स में सर सिर्फ 6 से 7 वीडियो हुआ करती थी ओनली। तो वो वीडियो मैंने देखी, आपने कैसे ब्रांडिंग बनानी है, कैसे आपको अपना प्रोस्पेक्ट, अपनी मीन्स आपको अपनी प्रोफाइल को चेंज करना है फर्स्ट को, क्योंकि मेरी प्रोफाइल में 90% हमारी कंपनी के ही बंदे थे जा रहे सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, मतलब वो जो नेटवर्कर्स ऑलरेडी नेटवर्कर्स हैं वो हमारे प्रोस्पेक्ट नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी वही चीजें मैं धीरे धीरे समझी। और सर स्टार्टिंग में जब मैंने आपका कोर्स लिया ना सर, रियली बताऊं तो स्टार्टिंग के 1 वीक तो मैंने वीडियो नहीं देखी सर। हाँ होता है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरे को लगा कैसी बात कर रहे हैं सर, ये प्रोफाइल चेंज करो, कोई फूडी का अपना ब्रांड बनाओ, फूडी इंसान बनो या योगा डालो, क्या मतलब कहना क्या चाह रही है, मेरे को समझ नहीं आया सर। मैंने कोशिश करी भाई चेंज करता हूँ मैं, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया। और वही है सर, चेंज थोड़ा पेनफुल होता है, बिल्कुल हुआ मेरे साथ। मैंने धीरे धीरे चेंज किया इसको। चेंज करने के बाद मेरे को फायदा ही हुआ, जो मैंने 10 दिन 20 दिन का जो अपने स्टार्टिंग बताई थी वो मैंने चेंज किया कंप्लीट। उसके बाद धीरे धीरे ना लीड जनरेट होने लग गई, लोग ऑटोमेटिक पूछने लगे भाई करते क्या हुआ। वेरी गुड। तो जब पूछने लग गया तो सर वहां से है ना फिर मेरे को लीड जनरेट होने लगी। और अभी प्रेजेंट में ऐसा कि सर अगर मैं शाम को 2 घंटे ऑनलाइन वर्क करूँ ना तो 5 नंबर आराम से जनरेट कर सकता हूँ सर इजिली। शाम को मैंने भी समथिंग एक है ना ऋषिकेश का नंबर जनरेट किया था और एक अलीपुर का जनरेट किया नंबर मैंने जनरेट किया, एक गुड़गांव का नंबर जनरेट हुआ है मेरा और एक लीड जनरेट हुई है सर मेरी, कहाँ से याद नहीं आ रही, बस दिल्ली का नहीं है कोई, हाँ दिल्ली का सर, एक दिल्ली का सर, एक दिल्ली, ये 4 लीड जनरेट किए मैंने सिर्फ 2 घंटे के अंदर में सर, इवनिंग में। तो ऐसे मेरे को माइंड ये हुआ कि हाँ भाई, एक तो ट्रैवलिंग का खर्चा बचता सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, और कहीं भाई ऑफिस में जो 4-5 घंटे वेस्ट होते थे मेरे, हाँ ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ, डायरेक्ट घर पे आ जाता हूँ और घर पे आ जाने के बाद अपना वर्क होना स्टार्ट करता हूँ। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि सर हम इस बिजनेस को मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ, जैसे मेरा ऑफिस घर पे ही है, घर से ही सारा ऑपरेट करता हूँ मैं भी, और जैसे मेरा क्लाइंट आपका मेरठ से हो गए, 10 लीड मेरी मेरठ से है और 10 से 15 फरीदाबाद की है सर, तो उनको मैं ऑनलाइन भी मीटिंग दे सकता हूँ, नहीं तो कंपनी का ऑफिस है सर, वहाँ पर मैं मीटिंग में भी इन्वाइट कर सकता हूँ। और जैसे संडे को मेरी फरीदाबाद में 4 पर्सनों के साथ कंपनी की सेमिनार होते हैं हमारे, तो वहाँ पर उनको इन्वाइट भी किया हुआ मैंने पहले से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऐसे मजा आ रहा है सर काम करने में। सही बात है। अब देखिए क्या होता है, ये बात बिल्कुल आपने सही बोला कि ऑनलाइन आज के टाइम में एवरीबॉडी इज ऑनलाइन, हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनका ध्यान ऑनलाइन है, तो हमारा बिजनेस भी ऑनलाइन होना चाहिए। बिल्कुल सर, है ना। और ये मुझे बताइए कि ठीक है आपने जैसे बोला कि आप लीड जनरेट कर पा रहे हैं, बट एक चीज और भी, जब कोई सोचता है, इवन डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि जितने लोग अभी इसको देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा भी यही माइंडसेट है ना, इसलिए आई कैन रिलेट टू इट, कि मुझे भी ये समझ में आ गया था कि काम को ऑनलाइन करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बारीकी चीजें ऐसी होती हैं कि आप भले ही काम को ऑनलाइन करें, बट आपके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का जो मोटिवेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग का वो जो बेसिक्स है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, स्टोरी कैसे शेयर करें, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करें, क्लोजिंग कैसे करें, वो सारी बेसिक जो फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी हमारी सॉलिड होनी चाहिए। बिकॉज जैसे कोई पर्सन हमसे पूछता है कि आपका, मैं देखा फेसबुक में आप करते क्या है, राइट, सो वी मस्ट नो कि किस तरीके से हम उसको क्वालिफाई करें कि रियली में क्या वो कोई ऐसा तो नहीं, वो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई नेटवर्कर हो जो हमको जानबूझ के हमको छेड़ रहा है। तो वी नीड टू क्वालिफाई एंड हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और सोशल मीडिया के थ्रू जैसे आप लीड जनरेट करते हैं, आपसे कोई पूछता है कि आप करते क्या हो, और कोई ऋषिकेश का पर्सन है, तो किस तरीके से आप उससे बातचीत करते हैं। एक कन्वर्सेशन फेसबुक में हुई तो क्या फेसबुक मैसेंजर पे बात होती है या व्हाट्सएप पे बात होती है, या फिर कैसे लेके जाते हैं आपको उसको आगे? एक्चुअली मैं उनको मैसेंजर से व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करता हूं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल गया है ना? बिल्कुल सर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, तो फिर उनसे मैं धीरे-धीरे उसके बारे में जानता हूं कि उसकी बेसिक नीड क्या है। मींस जैसे कुछ लोगों को सर टाइम फ्रीडम हो जाती है, सिक्योरिटी इश्यू हो जाती है, वो डिपेंड करता है उसकी एज क्या है। जैसे मैं जो ऋषिकेश वाला पर्सन है वो है ना मोबाइल शॉप है। अच्छा, ओके, हाँ जी सर। तो बेसिकली उसकी एज भी 22 या 22 के आसपास है सर उसकी एज। तो बेसिकली उसकी नीड उसकी ड्रीम हो गया सर। अच्छा, ड्रीम और पैसा उसकी नीड हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं प्रेजेंटेशन दूंगा उसको। वेरी गुड। तो अभी मींस मैं 1 टाइम में किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देता हूँ, जस्ट उससे पहले फ्रेंड बनाता हूँ। फ्रेंड के बाद थोड़ा सा रिलेशन अच्छा बिल्ड हो जाता है। बिल्ड होने के बाद उसको थोड़ा सा क्यूरियस, जैसे बोलते हैं ना, क्यूरियस बनाओ उसको, क्यूरियस, और उसको लगे कि हाँ भाई बताओ मेरे को क्या है, तो आपका बिजनेस क्या है। तो उसके बाद ही मैं आगे वाले को प्रेजेंटेशन देता हूँ। मैं 1 टाइम में किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देता हूँ, ना कंपनी का नाम बताता, ना प्रोफाइल, ना प्रोडक्ट, कुछ नहीं, XYZ, जस्ट रिलेशन और नंबर व्हाट्सएप पे उनको लेता हूँ सर। वंडरफुल। और ये सब चीजें आप ऑनलाइन करते हैं? बिल्कुल सर, राइट। तो ये भी मतलब एक मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। देखिए मेरी टीम में तो खैर, अगर आपने मेरा कोई वेबिनार अटेंड किया होगा तो मैंने एक बार दिखाया था कि मेरी टीम में 90% लोग ऐसे हैं जो मेरे से आज तक कभी मिले नहीं। इवन मैं नोएडा में रहता हूँ और दिल्ली एनसीआर में रहते हुए, गाजियाबाद जो कि ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बट फिर भी आज का लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि गाजियाबाद से अगर नोएडा आना, या मैं नोएडा से गाजियाबाद जाऊँ, अब माने ना माने आधा दिन लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है सर, ट्रेवलिंग में और 1 घंटे बैठने में, चाय पीने में लग जाता है टाइम। और वही 4-5 घंटे का टाइम अगर आप सिर्फ 15 से 20 मिनट, मतलब एक मैं बोलना चाहता हूँ फोकस, जो बातें होती है ना, वो 15 से 20 मिनट, आधे घंटे की ही होती है बस। बिल्कुल सर। तो अगर पर्सन की नीड स्ट्रांग है और आपके पास एक अच्छी एजुकेशन है नेटवर्किंग की, देन ऑल दीज वर्क इज पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन टूल्स, राइट। इवन मैं भी आपसे कभी नहीं मिला, लेकिन हम लोग अभी ऑनलाइन बात कर रहे हैं। यस यस सर। तो अभी जैसे, अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि बिजनेस को आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जो एक ऑब्जेक्शंस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर पाते हैं ऑनलाइन? क्या किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? फेसबुक मैसेंजर से आपने व्हाट्सएप पे ले लिया, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन कैसे आगे लेके जाते हैं? नहीं एक्चुअली जैसे सर मेरा भी जैसे दिल्ली की जो लीड जनरेट होती है उनको तो मैं जस्ट 1-2 दिन के लिए होल्ड कर देता हूँ, जस्ट मोटिवेशन पोस्ट वगैरह डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ उनके पास, और जैसे ही उनसे मेरे को टाइम लेता हूँ उनसे कि सैटरडे को संडे को मिल सकते हैं, और अभी जैसे मैं सैटरडे को किसी को इन्वाइट करने वाला हूँ, अगर वो दिल्ली एनसीआर के होते तो मैं डायरेक्ट ऑफिस में इन्वाइट कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑफिस का फर्स्ट मीटिंग, जैसे आप बोलते हैं ना, फर्स्ट मीटिंग फेस टू फेस होनी चाहिए, उसे अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे में जो नियर बाय की होती है तो फर्स्ट मीटिंग फेस टू फेस ही करता हूँ, और थोड़े से जो आउट स्टेशन की हो जाते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ। अभी मैं जल्दी सर मैं भी ऑनलाइन वेबिनार स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें जो भी मेरे क्लाइंट्स रहेंगे उनको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दूंगा, और धीरे धीरे सर एक्चुअली पता क्या है, इस इंडस्ट्री को मैं जानता हूँ, बट जो ऑनलाइन टूल्स है ना उसको धीरे धीरे सीखते सीखते मैं बिजनेस को कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं 100% मेरे को आता है, सिर्फ मैं मानता हूँ कि मेरे को 10 से 20% ही ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करना है अभी। बट इतना बिलीव है, विश्वास है कि इसको मैं आने वाले 2 महीने में बिल्कुल ही 100% सेटल कर सकता हूँ, बिकॉज मैं इसको ना इतना डीप लर्निंग करता हूँ हर तरीके से, हर एंगल से, कि भाई ऐसे अपने प्रोस्पेक्ट को कोई प्रॉब्लम ना, बिकॉज जो प्रॉब्लम आज मुझे हो रही है ना सर, जैसे मेरे को कंपनी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हुई है, प्लान में प्रॉब्लम हुई है, कैसे प्रेजेंट करना है, उसके बाद भाई ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, कैसे इन्वाइट करना है, मैं उसके अकॉर्डिंग सारे नोट्स बनाते जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो जो भी मेरे क्लाइंट, जो भी मेरे प्रोस्पेक्ट होंगे उसको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, जो प्रॉब्लम मैंने 1-2 महीने में झेल के प्रॉब्लम देखी है वो मेरे प्रोस्पेक्ट को 1 से 2 वीक के अंदर में कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आपके फ्यूचर में, जो आपकी टीम, अभी जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं वो आगे आने वाले टाइम में आपकी टीम मेंबर्स का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपके नेटवर्क के लोग, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ आपके टीम मेंबर्स नहीं बल्कि आपके, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, जस्ट भाई की तरह हो जाती है बॉन्डिंग, कि आप चाहेंगे कि आपने जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम एक तरीके से एक प्रॉपर सॉल्यूशन देते हुए, उनको प्रॉपर गाइड करते हुए लेके जाएंगे आगे, है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए वेरी गुड। एक्चुअली सर मेरा है तो इसमें कुछ लोग इसमें कुछ 2 महीने 4 महीने 2 साल 3 साल के लिए आते हैं। एक्चुअली मेरी जो प्लानिंग है सर इसमें कम से कम 5-6-10 साल 20 साल के लॉन्ग टर्म के प्लानिंग लेके चल रहा हूँ मैं बिजनेस। वेरी गुड। और इसमें क्योंकि मेरे को पता है कि अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो अपने बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपकी जो आने वाली टीम है ना उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम में फेस ना करना पड़े मार्केट में। बिकॉज वो आपने सुना भी होगा सर, जैसे कोई भी हम बिल्डिंग कितनी भी बड़ी ऊंची खड़ी कर सकता है अगर हमने बेसमेंट में 1-2 साल अगर लगाया है तो। अगर बेसमेंट मजबूत है तो हम बिल्डिंग खड़ी 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में ऑटोमेटिकली जल्दी खड़ी हो सकती है। तो एक्चुअली इस बिजनेस को मैं बेस पे इतना फोकस कर रहा हूँ कि आने वाली जो मेरी टीम है, जो मेरे पार्टनर्स होंगे उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बिजनेस में। तो मैं जानता हूँ कि ऑब्जेक्शन करना जरूरी है। जैसे हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में एक कॉमन पॉइंट होता है कि आप लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के उसको कॉल कीजिए, बट उसको ये तो नहीं पता नहीं इन्वाइट कैसे करना है सर। वो इनवाइट अगर कर लिया तो उसको उसने मना कर दिया आगे वाले पर्सन ने, तो उसको हैंडल कैसे करना है सर ये तो नहीं पता ना सर। हम उसको बोल तो देते हैं कि लिस्ट बनाइए आप, इनवाइट कीजिए, बट उनको यहाँ इतनी नॉलेज ही नहीं है कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, इनवाइट कैसे करना है, ये चीज सिखानी पड़ती है सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे इस बिजनेस में नया है, भले वो किसी भी इंडस्ट्री से आया हो, किसी भी हर बंदा नया है सर। राइट। बट नेटवर्क मार्केटिंग में हम सभी लोग फ्रेशर होते हैं एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ये सीखने में, राइट? तो चलिए वेरी गुड। अब ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आप पहले ऑफलाइन मोड पे कर रहे थे, अभी आप ऑनलाइन मोड पे काम को आगे करने को और ज़्यादा मतलब एक तरीके से कमिटेड आगे करने के लिए, कितना रुपया आपका ऑफलाइन मोड पे खर्च होता था पर डे? बिल्कुल फैक्ट बताइएगा। ऑफलाइन एक्चुअली मैं ना स्कूटी से ट्रैवल करता था। ओके। और 150 का मेरा फ्यूल पर डे था। Okay. और बाकी जैसे क्लाइंट से मिलते हैं तो अगर उसको चाय कॉफी अगर नहीं पूछे तो अच्छा भी लगता है सर, ये फ्यूल होता है। तो सर इसमें समथिंग लगा लीजिए मेरा 500 या 600 के आसपास नियर बाय पर डे खर्च होता था मेरा। पर डे 500-600 रुपये खर्च होता था। और अगर कंपनी का कोई एक बड़ा सेमिनार होता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने के लिए प्रमोट तो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जब बड़े बड़े सेमिनार और बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, डेफिनेटली हम लोगों को उस बड़े बड़े इवेंट्स में जाना चाहिए 100%। तो ये बताइए कि जो बड़े बड़े सेमिनार और ये सब चीजें होती थी, तो आप उसको मतलब अटेंड करते हैं और पूरी टीम को लेके जाते हैं? बिल्कुल सर, एक्चुअली अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, अटेंड करना सर। और उसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम अटेंड किया था उसमें 1000 की फीस थी सर, टिकट ही 1000 की थी सर। और उसमें अगर मैं अपने एक दो प्रोस्पेक्ट को लेके आया तो समथिंग 10 प्रोस्पेक्ट को लेके जाते हैं तो उसपे 10,000 का इजली आराम से खर्चा आ जाता है सर। बट उसमें पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि वो हमारे साथ बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल सर। तो हम उस पर ये फोकस नहीं कर सकते कि भैया आपने हमारे साथ 1000 रुपए की टिकट ली है और आपको बिजनेस करना ही करना, फोर्स नहीं कर सकते सर जी। तो सर अटेंड तो करते हैं बट उसमें कॉस्टली पड़ता था बहुत ज्यादा। राइट, तो चलिए ठीक है। डेफिनेटली मेरा भी बहुत स्टार्टिंग में ना, जो अभी स्टार्टिंग के जो 6-7 महीने 1 साल जो होता है वो मैं बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे टफ होते हैं, बिकॉज ये टाइम होता है जहाँ पर आप ना आपका माइंडसेट चेंज हो रहा होता है। तो नौकरी से या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस से जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे एक ऐसी चीज जो उसको सबसे ज्यादा एक तरीके से क्या बोलते हैं चोट मारती है ना, वो है चेंज, क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट चेंज हो रहा होता है। और माइंडसेट के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें भूलनी पड़ती है कोई नई चीज सीखने के लिए। आप भूल जाइए कि आप कौन से कंपनी में थे और क्या थे, बट यहाँ पर यू आर एब्सोल्युटली फ्रेशर, यू आर एब्सोल्युटली न्यू, है ना। बिल्कुल तो सीख के समझ के आई रियली अप्रिशिएट कि आपका जो एक लर्निंग एटीट्यूड है उसके थ्रू आप काम कर रहे हैं। अब लास्ट में बस मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, आगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आगे आप अपने आप को कैसे देखते हैं? बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करने के लिए आपकी जो कंपनी है वो हो सकता है कि मल्टीपल कंट्रीज में हो जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हम एक बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। वी हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन बिल्ड करने के लिए आपको क्या लगता है कि 2020 आ रहा है, 2022-25, आज से 5 साल के बाद हम लोग बहुत सारे हमने वीडियोस देखे, बहुत सारे फोटोज देखे कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छा फ्यूचर है। बट नेटवर्क मार्केटिंग प्लस ऑनलाइन मार्केटिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का आपको क्या लगता है? एज पर जस्ट योर थॉट्स कि बिजनेस ऑनलाइन जाएगा या ऑफलाइन जाएगा, आपको क्या लगता है? सर डेफिनेटली ऑनलाइन जाएगा, क्योंकि मैंने एक कुछ है ना सर्वे चेक किए थे कि भाई लास्ट टाइम जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना पर सेकंड फेसबुक पे 150 बिलियन लोग ऑनलाइन रहते हैं पर सेकंड। ओके जी सर। और एक कॉमन सी बात है सर, किसी भी हाई प्रोफाइल को हम ऑफलाइन टॉक नहीं कर सकते, एकदम बात नहीं कर सकते हम लोगों से। और सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम है सर, हम एनीबडी किसी भी क्वालिटी पर्सन को हम बात कर सकते हैं सर फेसबुक के माध्यम से, या हमारा इंस्टाग्राम या लिंक्डइन, किसी भी एक्सपर्ट सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी पर्सनैलिटी से बात कर सकते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, जस्ट हम उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, जस्ट इतना ही। और मुझे इतना लग रहा है कि सर आने वाले 5 साल में रियली में नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना सर ऑनलाइन ही रह जाएगी। बिकॉज आप अगर ऑफलाइन मार्केट में काम करोगे ना सर, ऑफलाइन मार्केटिंग का सबसे नेगेटिव फेस ये है कि मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग को ही लेके। और एक्चुअली मेरा 2.5-3 साल का सर फील्ड का एक्सपीरियंस भी है। और सेल्स का एक ही सिद्धांत है सर, जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे जब तक आपकी सेल्स नहीं होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है, लोगों ने ऐसा ही एक वो बोलते हैं ना मिथ बना रखा है कि भाई जब तक हम झूठ नहीं बोलेंगे लोगों को तब तक हमारे बिजनेस में एंट्री नहीं करेंगे। और लोग यही समझते हैं कि भाई चैन सिस्टम होता है, मेंबर स्कीम होती है, किट स्कीम होती है। लोगों की जो थॉट है ना सर वो धीरे धीरे चेंज हो रही है अब, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझ रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन जाने से फायदा ये हो रहा है क्योंकि लोगों का एक तो टाइम बच रहा है, लोगों को किसी को कन्वेंस नहीं करना पड़ता, उसको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना पड़ता, किसी को घर घर जाके घंटे पे जाने की जरूरत नहीं है, दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन ही घर बैठे हम अगर दिन में 4-5 घंटे काम करते हैं, एक तो फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हैं क्योंकि हम फैमिली के साथ भी रह रहे हैं और अपना बिजनेस भी डेवलप कर रहे हैं घर बैठे ही। और मेरा तो ये मानना है सर, जैसे अगर हमने इंडिया में जितने भी स्टेट है अगर हर स्टेट में 1-1 पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर दिया तो जब भी हम किसी भी स्टेट में घूमने जाएंगे ना सर तो हमें कभी ये नहीं लगेगा कि हमारे इस स्टेट में कोई पर्सन नहीं है हमें नहीं जानता। तो हमारा लिंक हमेशा रहेगा और एक रिलेशन ऐसे बिल्ड हो जाता है सर इससे। जो बोलते हैं ना सर, अपने भी खून का रिश्ता नहीं होता जितना एक आपका पर्सनल रिश्ता, दोस्त का रिश्ता बन जाता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही बिजनेस है सर। ये आप इसमें ना सब कुछ मिलता है, ब्लेसिंग मिलेगी सर, नए रिलेशन मिलते हैं, अच्छे फ्रेंड मिलते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, एवरीथिंग सर। सिंगल प्लेटफॉर्म पे कम लागत में वो सब कुछ मिल जाता है जो हम 50 लाख 1 करोड़ लगा के बिजनेस में भी नहीं मिलता सर। और ऑनलाइन का तो सर मैं इतना विश्वास हो गया है कि भाई ऑनलाइन में अगर चाहते हैं तो हम किसी भी कंट्री में बिजनेस अपना डेवलप कर सकते हैं ऑनलाइन सर, घर पर ही बैठ के सर। सबसे प्लस पॉइंट सर। और क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सर पहले यूएसए या अब्रॉड से स्टार्ट हुई थी, विदेशों से स्टार्ट हुई थी। और 90% जो नेटवर्कर है, अगर इंडिया के लोग अगर विदेश के लोगों की टेस्टोमनीज वगैरह पढ़ेंगे ना सर, तो 90% नेटवर्कर ऑनलाइन ही बिजनेस अपना बिल्ड कर रहा है। क्योंकि इंडिया, यूएसए या जर्मनी किसी भी अदर कंट्री से है ना 5 से 10 साल पीछे है सर। ये आप भी जानते हो सर इस चीज को। और तो इसी अकॉर्डिंग इंडिया में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। आपने भी देखा होगा सर, सुना होगा आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप चल रहा है और नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। और यहाँ तक कि सर लोग फ्री में कोर्सेज दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के सर। तो मीन्स सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो गया सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऑब्वियसली ऑनलाइन ही शिफ्ट होगी सर। कोई माने या ना माने, नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म रह जाएगा सिंगल सर। जो हमारा टाइम, एक तो टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी, बहुत कुछ सेविंग होगी सर इससे हमारा। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं रवि, मेरा भी बिल्कुल सेम यही थॉट है। और इफ यू जस्ट ऑब्जर्व एक चीज तो ये हो गया कि ठीक है मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन बिल्ड कर रहा हूँ बिकॉज मेरा बैकग्राउंड चलिए आईटी का है, लेकिन आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर फील्ड और आईटी का बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिथ है कि जिसको कंप्यूटर आता है सिर्फ वही कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी को यूज करना आता है। और एक चीज और भी है, अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करें, इवन आप चाहे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्यों ना हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बड़े को, everybody is trying to come online, बिल्कुल सर, trying to come online। और यहीं पर एक ऐसा स्कोप है ऑनलाइन, जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं, each and every person is absolutely unique। हर कोई यूनिक है, यहाँ पे कोई बड़ा लीडर, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन जब हम ऑफलाइन काम करते हैं ना, आप किसी बड़े लीडर सामने खड़ा हो जाता है तो फिर वो उसको ले जाएगा, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। तो ऑनलाइन इज प्रेजेंट, ऑनलाइन फ्यूचर, दैट इज व्हाट आई थिंक। और कभी आपसे बात करके भी मुझे काफी अच्छा लगा कि आप एक्चुअली, व्हाट आई लाइक अबाउट यू इज आपका लर्निंग एटीट्यूड। ये जो लर्निंग एटीट्यूड है, और मैं समझ सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पहले के 6 महीने और पहले के जो 1 साल होता है ना, वही सबसे टफ होते हैं और वहीं पर ही मोटिवेशन डाउन हो जाता है। बिल्कुल सर, मोटिवेशन डाउन होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि हम सिर्फ हाथ पैर मार रहे हैं विदाउट लर्निंग, without तो आप सीख के काम कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और डेफिनेटली मैं आपसे दोबारा से मिलना चाहूंगा ऐसे ही। व्हेन यू रीच अ पर्टिकुलर लेवल, एक अच्छे लेवल पर आप हिट करिए। मेरी मतलब ब्लेसिंग्स और मतलब उम्मीद यही है कि आप आगे बढ़े। एक बार करेंगे। और चलिए वीडियो को एंड करते हुए फाइनली कुछ बोलना चाहेंगे अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअली सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो इतना ही बोलूंगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली आपको अगर एक वर्ड में जानना हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके 24 आवर्स के सर्कल को ब्रेक करता है। बहुत बढ़िया। कि इसके बारे में जितना मैं बोलूं सर, आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की मैं जानता हूँ कि मेरी एज जो एज है, इस एज में मैक्सिमम बच्चे तो है ना कॉलेज में ज्यादा रेफरेंस करते हैं, बट मेन मोटिव सर मनी होता है, सक्सेस होती है, ड्रीम होते हैं। और स्टार्टिंग से ही मेरे को ड्रीम थे, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे सर। तो उनको फुलफिल करने के लिए इतनी मेरे पास अमाउंट ही थे, ऐसा कोई बिजनेस नहीं था कि मैं अपना कोई 40-50 लाख रुपए लगाऊं और तो बिजनेस करूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मिला है इस अर्थ पे अब तक, जिसमें आप कम लागत में, कम कीमत में वो सारी फैसिलिटी, वो सारे बेनिफिट ले सकते हो जो एक अदर बिजनेस में होता है, बल्कि उससे ज्यादा ही होता है सर। क्योंकि बाहर की जो बिजनेस होते हैं उसमें इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता सर। और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और ब्लेसिंग नहीं मिलती है उसमें। मीन्स होता है जब तक आप दूसरे वाले बिजनेस को घाटे में डालोगे तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा सर। और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है उसमें जितनी आपको बेनिफिट मिलते हैं या आप उसके लगा लीजिए वेलनेस हेल्थ या वेल्थ लगा लीजिए, आप टाइम फ्रीडम लगा लीजिए, सिक्योरिटी लगा लीजिए। अगर आपकी कंपनी का जनरेशन प्लान है तो आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक भी आप उसका इनकम मिलती रहेगी आपकी जनरेशन का, अगर जनरेशन प्लान है तो आपकी कंपनी में। बिकॉज आज के टाइम में मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जनरेशन प्लान है ही नहीं सर। और अगर आप उसको डीप से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे प्लान में, अगर फीचर्स डालोगे प्लान के, तो आपको जनरेशन प्लान के अकॉर्डिंग उस पे प्लान की जो कंपनी जो आपको प्रॉफिट देती है ना वो किस पर प्रॉफिट देती है वो भी जानना जरूरी होता है सर। और नेटवर्क मार्केटिंग में कंपटीशन है सर, बट आप बेस्ट कंपनी को सिलेक्ट कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम, मैं ये मानता हूँ कि 21st सेंचुरी में नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम रह गया है जो लोगों को एक अच्छा रोजगार देगा और एक अच्छा बिजनेस प्रोवाइड कराएगा सर। बट हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि हमें ये देखना है कि बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है इस इंडिया के अंदर में, और उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है सर। और मैंने ये भी सर्वे चेक किया सर, एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में सर नेटवर्क मार्केटिंग का अलग से कोर्स भी स्टार्ट हो गया। तो सर ये कॉमन सी बात है कि हमें एक हिंट दी जा रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग का सर आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मेरे क्वेश्चन है लास्ट, एक बस एक और मुझे याद आया एक और क्वेश्चन, क्या आपने ऐसा बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया जा रहा है डीयू में। मेरा क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन कैसे करें, उसके लिए आपके कुछ रुपए खर्च हुए? बिल्कुल सर, आपने कभी सोचा नहीं यार ये रुपए फालतू में मैं खर्च कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में तो रुपए कमाने आया हूँ, यहाँ पे रुपया क्यों खर्च कर रहा हूँ मैं कुछ सीखने के लिए? चलिए सर, ये कोर्स लेने के लिए मेरे को टाइम लगा, सबकी वीडियो देखता था, 10 से 15 दिन मेरे को टाइम लगा यार। 5,000 तो बहुत होते हैं, आपका दिवाली के बाद तो ऑफर भी चला लंबा, तो मैंने दिवाली से पहले ही लिया। तो मेरे को लगा यार 5,000 तो बहुत ज्यादा रह गया, ऐसे कैसे चलेगा। तो एक्चुअली वही है सर, मैंने एक चीज कहीं से सीखी थी, जैसे अमिताभ बच्चन सर बोलते हैं अगर सीखना बन तो जीतना बन, अगर सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। तो पैसे तो आ जाएंगे सर बाद में, अगर इस कोर्स से मेरे को फायदा मिलता है ना, तो ऐसा कि जो 5,000 मैंने इन्वेस्ट किया ना उसमें 4 जीरो आराम से लग सकती है, आराम से, क्योंकि लर्निंग का एजुकेशन का कोई कॉम्पिटिशन है, पैसे कोई वैल्यू नहीं सर पैसे की। तो आज आप पैसा लगा रहे हो, अब कॉमन सी बात है सर, हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं, 5 लाख का एडमिशन होता है सर, 10-10 लाख रुपए की डोनेशन देते हैं, 1-1 करोड़ की डोनेशन भी देते हैं। बट ये कोर्स ऐसा है, इस कोर्स लेने से रियली बताऊँ मेरा जो बाहर के जाने का टाइम था ना वो बिल्कुल ही बच गया। मैं घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ, सबसे खुशी की बात ये होती है मैं किसी भी सिटी के पर्सन को घर से ही प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। और बिकॉज मेरा माइंड सेट पहले से ही था सर, और हमेशा ओपन रहता है मेरा कुछ सीखने को, अगर जिस पर्सन का हमेशा लर्निंग एटीट्यूड है ना सर, वो रियली सक्सेस हो जाएगा इस बिजनेस में। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि कोर्स को देखिए, सबके लिए बोलते हैं कि this course is available for every network marketer, but this is applicable for only those people जो लोग रियली में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सीरियस हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए सीरियस हैं, और फ्यूचर इज ऑनलाइन, फ्यूचर इज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, आज हमें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वरना खुद हम अडेप्ट कर लें, जितना जल्दी अडेप्ट कर लें उतना अच्छा है, वरना ऐसा ना हो कि 2-3 साल के बाद हर कोई ऑनलाइन आ जाएगा, then there will be huge problem. बिल्कुल सर, ऑनलाइन मैंने एक्चुअली है ना, मैंने अपनी ही कंपनी में एक पर्सन को देखा है जिसने 6 महीने के अंदर में ही जो ड्रीम लेवल होता है हर कंपनी का, 6 महीने के अंदर में उसको अचीव कर लिया है ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू। तो सर एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस, और मेरा हमेशा मोड रहता है लर्निंग का, मैं हमेशा किसी ना किसी पर्सन से बात करता हूँ, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी एक्सवाई जेड से, क्योंकि वहाँ पर है ना कुछ सीखने को मिलता है सर, हमेशा मिलता है। वो तो डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस लेवल तक उसको अडॉप्ट कर सकता है, और हमेशा सीखने के मूड में रहेंगे ना तो सर हमेशा जीतने के मूड में भी रहेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चलिए रवि, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, डेफिनेटली मुझे आपके अंदर से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, एंड मुझे मतलब आई रियली बिलीव कि आप इस बिजनेस में टिके रहे, जो कि मुझे पता है आप टिके रहेंगे, तो डेफिनेटली आप भी एक ड्रीम लेवल बहुत जल्दी अचीव करेंगे। सो इस लर्निंग एटीट्यूड को रखिए, और आई विश ऑल द बेस्ट, अच्छी टीम ग्रो हो, और ऑल ओवर इंडिया में जैसे आपने बोला हर जगह जहाँ पर भी जाएं हर जगह कोई ना कोई टीम मेंबर हो आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, होगा डेफिनेटली, होगा डेफिनेटली होगा। तो ऑल द बेस्ट टू यू, और वी विल मीट अगेन जब आप एक सॉलिड एक लेवल अचीव करें, एक अचीवमेंट लेंगे, देन वी विल टॉक अगेन अबाउट दिस। बिल्कुल श्योर सर, बिल्कुल श्योर। चलिए, ओके देन, सी यू। Thank you. Bye. Thank you, sir.